नमस्कार दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, जिसका आज मैं सेकेंड लेक्चर लेकर आया हूं, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। इससे पहले मैं समझा चुका हूं फिजिकल क्वांटिटीज किसे बोलते हैं, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है बहुत अच्छे से। आप उस लेक्चर को जरूर देख लें। और भी आप चाहते हैं ऐसे ही लेक्चर की वीडियो आपको मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और पीडीएफ विद वीडियो लेक्चर के लिए आप हमारी एबी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखी है। और डाउनलोड करने के बाद डिप्लोमा बीटेक ऑनलाइन क्लासेस जहां पर लिखा हुआ है उसको ज्वाइन कर। अब चलते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैं बता चुका हूं कि हमारा अपना तरीका है समझाने का, बस आप पूरा लेक्चर देख लें आपको समझ में आ जाएगा। तो कल मैंने समझाया हुआ था कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं और कैसे या फिर दर्शाया जाता है। तो हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, क्यू से डोनोटेट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता हुआ है क्या होता है, नंबर इंटू यूनिट। क्या होता है, नंबर इंटू यूनिट। अगर हम इस पूरे को ऐसा बोल दें कि फिजिकल क्वांटिटी का ये पूरा जो है एक ये दिख रहा होगा ये क्या है, रिजल्टेंट है, तो भी गलत नहीं होगा। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट, तो भी मतलब एक ही बात है। अब थोड़ा सा मैंने जो समझाया होता उसको समझाने के, फिजिकल क्वांटिटी मैंने मान लिया, हमने फिजिकल क्वांटिटी क्या ले ली, लेंथ ले ली। अब लेंथ में हम देखते हैं वन से लेकर किससे, वन से लेकर इन्फिनिट तक हम सभी वैल्यू किस में दर्शाते हैं, क्या लिखते हैं, यहां पर कोई ना कोई नंबर आ जाएगा वन से लेकर, और हम लिख देते हैं मीटर, ऐसे ही लिखते हैं। अगर मान लो यहां पर हम मास ले लें, तो मास को भी हम क्या करेंगे, वन से लेकर कितनी भी उसकी वैल्यू हो हम क्या लिखते हैं, जो भी यहां पर क्वांटिटी जो भी यहां पर वैल्यू होगी नंबर में, और क्या लिख देंगे, केजी। ऐसे अगर हम टाइम को ले लें, क्या ले रहा है, टाइम को, तो हम देखते हैं वन से लेकर जो भी हम यहां पर टाइम शो कराते हैं, जितना भी शो करा रहे हैं उसको हम क्या लिखेंगे, यहां पर जो भी नंबर लिखेंगे और आगे क्या लिख देंगे, सेकंड। हम यहां पर क्या देख रहे हैं, हम यहां पर देख रहे हैं जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटी लेंथ ली है, तो लेंथ का अपना एक स्टैंडर्ड है, क्या स्टैंडर्ड है, मीटर। मतलब लेंथ को हम की जो यूनिट यहां पर क्या ली, मीटर ली, मतलब लेंथ के लिए हमने स्पेशल एक वर्ड लिया हुआ है मीटर। ऐसे हम देख रहे हैं जब दूसरी यहां पर क्वांटिटी देखी हमने मास, तो मास को हम क्या देख रहे हैं, उसको हमने केजी में ले लिया, मतलब इसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड है। टाइम के लिए देखा तो उसके लिए हमने सेकंड ले लिया, तो उसके लिए भी एक अलग स्टैंडर्ड देखा, सेकंड। तो मैं ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिट क्या है, पर्टिकुलर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड रिजल्टेंट है, जैसा मैं बता चुका हूं इसको हम रिजल्टेंट बोल दें तो गलत। तो ये क्या है, जो यूनिट है एक फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, एक स्टैंडर्ड रिजल्टेंट है, या कॉन्स्टेंट रिजल्टेंट बोल दो तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है। इसको हमेशा जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है इसके रिजल्टेंट को हमेशा हम क्या लेके चलते हैं, वन का मल्टीप्लाई लेके चलते हैं। जैसे क्या होगा, वन मीटर। अब वन मीटर लेके चलेंगे हम कितनी भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, वन का सिर्फ हम क्या करना, उस वैल्यू में मल्टीप्लाई करना। जैसे हमें करना है 100 मीटर, अब इसको 100 मीटर बनाना, तो हम करते क्या, वन इंटू 100 मीटर का मल्टीप्लाई, टोटल कितना हो जाता है 100 मीटर। तो कांस्टेंट के साथ हम क्या लेके चलते हैं, वन कांस्टेंट लेके चलते हैं। क्या मानते हैं हम, इसका जो कांस्टेंट रिजल्ट है वह कितना है, वन है, मतलब वन मीटर, या यहां पर क्या हो सकते हैं, वन केजी या वन सेकेंड। तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि यूनिट क्या होती है। नॉर्मली आप समझ गए होंगे किसी पर्टिकुलर जो क्वांटिटी है उसका एक स्टैंडर्ड रिजल्टेंट, ऐसा बोल सकते हैं, वही क्या होती है, यूनिट होती है। जैसे हमने लेंथ का क्या माना हुआ, स्टैंडर्ड रिजल्टेंट वन मीटर, मास का माना हुआ 1 kg, टाइम का माना हुआ 1 सेकेंड। इस तरह और भी जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी इसी तरह हमने स्टैंडर्ड माने हुए। अब जो स्टैंडर्ड अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की माने हुए वही हमें यहाँ पर समझना है। इनको हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, या फिर जो फिजिक्स के अनुसार इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग होता है फिजिकल, दूसरा भाग होता है ड्राइव यूनिट्स, फिजिकल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। अब फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट्स क्या होती है, पहला भाग होता है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा भाग होता है ड्राइव यूनिट्स।
तो जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं इनको हम डिफाइन करके बताएंगे और अच्छे समझाएंगे फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मेरा तरीका है उसमें अगर हम ये जान लें कि फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती हैं तो आपको उसकी डेफिनेशन, उसको कैसे डिफाइन किया गया, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं यह इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। और इसके साथ 2 क्या होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कौन सी होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो 7 जो बेसिक यूनिट भी बोल दो इसको तो भी चलेगा, या फंडामेंटल यूनिट्स बोल दो तो भी चलेगा। और जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है कौन कौन सी होती है इसको सबसे पहले समझना जरूरी है, फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि फंडामेंटल यूनिट्स कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, फंडामेंटल की, फंडामेंटल यूनिट्स की। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख लें, फंडामेंटल यूनिट्स, अच्छे से लिख लें फंडामेंटल यूनिट्स, एक टेबल टाइप की बना लें। तो दूसरे में लिखें यहां पर उसकी यूनिट, और तीसरे में यहां पर क्या लिखेंगे, सिंबल, सिंबल। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर जो हमने लिखा फंडामेंटल यूनिट्स, इनके नाम लिखूंगा मैं सबसे पहले, तो यहां पर लिख देता हूं, उनके नाम लिखेंगे फिर इसके बाद आगे समझते जाएंगे। तो पहली जो ए होती है क्या होती है, लेंथ। हम चाहे तो इसकी टेबल भी यहां पर सीधा रख के आपको समझा सकते, लेकिन यहां पर लिखकर मैं समझाऊंगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ये गारंटी है, बस वीडियो देखते रहे। दूसरी होती है हमारी मास, तीसरी होती है टाइम। स्टार्टिंग के तीनों बड़े अच्छे से रट लेना है। चौथी होती है टेम्परेचर, टेम्परेचर। पांचवी होती है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और छठवीं होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सभी बुकों में आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी, सिर्फ यहां पर आप थोड़ा सा समझ लें जैसा मैं समझा रहा हूं, क्योंकि याद करने का तरीका यही है। और होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऑफ सब्सटेंस। अब यहां पर 7 यूनिट आपको लिखी दिख रही है, बड़े अच्छे समझ में आ रहा है। अब इनकी जो यूनिट्स बताई गई वो किस किस में बताई गई, ऐसा यूनिट्स। एक्चुअली क्या होता है, जो यूनिट्स का एक सिस्टम होता है उनको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, तो इसका एक सिस्टम ऐसा यूनिट्स भी होता है। और जो सिस्टम है यूनिट्स का वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन जैसा सिलेबस आपका दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग या उसके आधार पर मैं समझाता जा रहा हूँ, टॉपिक उठाता जा रहा हूँ। तो यूनिट्स का सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, यहाँ पर हमें इतना समझना है कि इनकी जो यूनिट्स को यहाँ पर बताया गया है या डिफाइन किया है वो किसके आधार पर, एसआई यूनिट्स के आधार पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनकी सबकी एसआई यूनिट्स लिखेंगे। जैसे कि लेंथ है, लेंथ की जो यूनिट होती क्या होती है, मीटर। क्या होती है, मीटर। याद कर लें बिल्कुल, लेंथ की यूनिट मीटर होती, किसमें, एसआई यूनिट। मास की क्या होती है, किलोग्राम। क्या होती है, मास की, किलोग्राम। पूरा लिखना याद रखना, क्या, किलोग्राम। टाइम की क्या होती है, सेकेंड। इस तरह टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो एम्पियर होती है, एम्पियर, या फिर इसको कई जगह ऐसा भी लिखा है, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है कैंडेला, कैंडेला। और इसकी होती है मोल। ये 7 यूनिट होती है। अब इनको हम डायरेक्ट, आपने देखा होगा जब भी हम यूनिट्स में जो परिवर्तन करते हैं या लिखते हैं तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखते, इनका कुछ ना कुछ सिंबल लिखते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं हमने क्या लिखा हुआ है, मीटर का सिंबल एम, किलोग्राम का केजी, ठीक है, सेकंड का लिखा जाता है एस। तो ये सिंबल भी हमें याद करके रखना है, डायरेक्ट मीटर नहीं लिखना। तो इसका क्या सिंबल होता है, एम, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, केल्विन का के, और एम्पियर का क्या होता है, कैपिटल ए, और इसका होता है सीडी, और मोल का क्या होता है, एमओएल। इतना हमें सिर्फ समझना है कि ये 7 बेसिक यूनिट होते हैं। अब इन 7 बेसिक यूनिट को हम यहां पर देखते हैं, ये कभी आपने पढ़ा होगा, यह एक दूसरे में परिवर्तन नहीं होता, मतलब लेंथ, मास आपने कभी नहीं देखा होगा, मास टाइम कभी नहीं देखा होगा, टेम्परेचर टाइम कभी नहीं देखा होगा,
मतलब ऐसा इसको डिफाइन किया गया इसके आधार पर कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको एक दूसरे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या देखा, ए जो यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटी लिखी है ये एक दूसरे में इनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब क्या है एक दूसरे से स्वतंत्र है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। इतना आपको समझ में बड़े अच्छे से आ गया होगा। दूसरा इसका सिस्टम होता कि ये जो हमारी होती है इनको हम बिल्कुल बेसिक यूनिट्स भी बोलते हैं। क्या होती है ये? बिल्कुल बेसिक यूनिट्स होती हैं, इनसे हम अदर यूनिट प्राप्त कर सकते हैं। किससे? इन जो सेवन यूनिट है इनसे हम क्या कर सकते हैं? अदर यूनिट प्राप्त कर सकते हैं या इनकी विशेषता होती है। तो ऐसी यूनिट जो एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे में इनका परिवर्तन नहीं किया जाता है और जिनसे हम अदर यूनिट प्राप्त कर सकते हैं, वह सब यूनिट्स क्या कहलाती है? फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है। क्या कहलाती है? फंडामेंटल यूनिट्स। अब इसकी दो जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं उनको भी समझ लेते हैं, थोड़ा स्क्रीन नीचे ले चलते हैं। तो जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं उनकी जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, तो फर्स्ट होती है प्लेन एंगल। क्या होती है? प्लेन एंगल, ई एन जी एल। इसकी जो यूनिट होती है वह होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। और रेडियन का सिंबल होता हुआ होता है आर ए डी। सेकेंड यूनिट की बात करें तो वह होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल। इसकी जो यूनिट होती है वह होती है स्टेडिनियम, स्टे रेडियन। और इसका सिंबल होता हुआ होता है एस आर। तो ये कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, चलते हैं समझते हैं। तो जो बात मैंने बोली थी उसको याद रखना है। हमने क्या बोला था? ये जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनसे हम अदर यूनिट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने अगर यहां पर बात करें, ऐसा एक प्लॉट ले लेता हूं, दिख रहा है यहां पर हमने मान लिया ये 2 मीटर है और ये कितना है? 3 मीटर है। अगर हम इसका एरिया निकालें, क्या निकालें? एरिया। तो क्या हो जाता है? लेंथ इंटू विड्थ, मतलब 2 मीटर इंटू 2 मीटर। हमने देखा है कितना हो जाएगा? 4 मीटर स्क्वायर। क्या किया मैंने? जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स थी उसमें हमने मीटर को लिया और हमने 2 बार मीटर को एक दूसरे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। मतलब एक अदर जो क्वांटिटी दिख रही है यहां पर, जो फिजिकल क्वांटिटी है एरिया, उसकी एक एक यूनिट हमने तैयार कर दी है। अगर हम यहां पर बात करें वेलोसिटी, किसकी? वेलोसिटी की। वेलोसिटी हम जानते क्या होता है? मीटर, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। और इसको हम क्या करते हैं? डिस्टेंस को किसमें दर्शाते हैं? मीटर में, और हमारा टाइम को सेकेंड में। तो हम क्या देख रहे हैं? डिस्टेंस मतलब मीटर। एक यहाँ पर फिजिकल जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स दिख रही है और दूसरी क्या? सेकेंड। दूसरी मतलब ये जो हमारा मीटर और सेकेंड मिला के हमने क्या किया? एक नई फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बना दी, वेलोसिटी। इस तरह और बहुत सारी, जैसे कि प्रेशर की बात करें, प्रेशर क्या होता? हमारा फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है? हमारा फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन या फिर किलोग्राम, ऐसा होता है, और मीटर स्क्वायर। मतलब हमने क्या? न्यूटन लिया और मीटर कितने? 2 बार ले लिया। मतलब ये फिजिकल हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है। इस तरह अगर हम किसकी करें? डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ये मास क्या होता है? केजी में, और वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब में। तो ये जो मीटर क्या है? हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है, और केजी भी क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इससे हम और भी क्वांटिटीज की यूनिट प्राप्त करते हैं। तो जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इससे हम जो यूनिट्स प्राप्त करते हैं उन सभी यूनिट्स को क्या कहते हैं? ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं, जिन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स हम फंडामेंटल यूनिट्स से प्राप्त करते हैं उन सभी यूनिट्स को क्या बोलते हैं? ड्राइव यूनिट्स। समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। तो ऐसी जो फंडामेंटल जो ड्राइव यूनिट्स है वो बहुत सारी होती हैं। आप देखेंगे आपकी बुकों में लिस्ट बनी होगी, और जब भी आप समझ जाए, जब भी हमने कोई भी जो हमने फंडामेंटल यूनिट्स ली हैं उनसे हमने कोई यूनिट नई प्राप्त की है, तो वह किसमें आएगी? ड्राइव यूनिट्स की कैटेगरी में आएगी।
इतना आप समझ रहे हैं। तो उम्मीद है फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, ड्राइव यूनिट्स क्या होती है वो समझ में आ गया। सिर्फ हमें इतना याद रखना कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है बेसिक यूनिट्स होती है और जिनको एक दूसरे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जबकि जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती है बेसिक यूनिट्स होती है इनसे जो यूनिट्स हम प्राप्त कर सकते हैं उनको सबको हम ड्राइव यूनिट्स बोलते हैं। बस हमें इतना याद रखना है। उम्मीद है जो भी मैंने समझाया समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर आऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।